बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.9 का लास्ट क्वेश्चन को। तो बेसिकली अगर प्रीवियस वीडियो की बात की तो उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.8 के सेकंड लास्ट और उसके थर्ड लास्ट क्वेश्चन कवर किया था। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो लास्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मूव करते हैं अपने जो है वो स्क्रीन की तरफ और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि शो दैट y इज इक्वल टू x की पावर x हैज मिनिमम वैल्यू। बेसिकली जहां पे भी मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव एज वेल एज सेकंड डेरिवेटिव को लेके फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके उसके जो x के आंसर आएगा उसको सेकंड में पुट करके उसकी वैल्यू को चेक कर लेना है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट चीज आ रही है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल यानी x की पावर x आ रही है, तो उसका डिफरेंशिएट हमने नहीं पढ़ा। बेसिकली इसको हम पहले सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म से रिड्यूस करेंगे ताकि जिस फॉर्म में हमें पढ़ा है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर लॉग की कोई चीज़ पावर में आ जाए तो लॉग में पावर स्टार्ट में आती है, तो इसको पहले लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब नेचुरल लॉग ले लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो ln ऑफ x ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पर डेरिवेटिव को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड बाय y, ठीक है, dy वाई बाय डी एक्स, क्योंकि हमने एंगल का ऑपोजिट डेरिवेटिव लेना पड़ता है। फिर x एज इट इज ये एसिज आ गया प्लस ये आ गया, फिर 1 डिवाइड बाय y dy बाय डी एक्स, x एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय x प्लस ln ऑफ x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर x x से कैंसिल आउट हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स 1 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ x। तो बेसिकली ये y इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x, सो वी आर गोइंग टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंस्टेड ऑफ x। सो द फर्स्ट डेरिवेटिव बिकम ln ऑफ x, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसी चीज का हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स डॉट 1 प्लस ln ऑफ x ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फर्दर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो लेकिन d स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल ये u हो जाएगा ये v, फिर u हैशेज आ गया, ठीक है, हम v का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर v एस चीज आ गया हम u का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो x की पावर x है एस चीज 1 का डेरिवेटिव 0 और नेक्स्ट का 1 ओवर x, ठीक है, 1 प्लस ln ऑफ x एस चीज। अब जो मेन चीज यानी वाली है मतलब कि जो डेरिवेटिव मुश्किल है वो x की पावर x है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम पहले ले चुके हैं, तो बेसिकली x की पावर x का डेरिवेटिव हमने बेसिकली यहाँ पे लिया था, यानी क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x की पावर x। तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आया था बेसिकली क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x की पावर x, जब इस साइड का डायरेक्टिव लिया था यानी एक्स की पावर एक्स का, ठीक है। तो हमारे पास इसको ला रहा था एक्स की पावर एक्स 1 प्लस ln ऑफ x, ठीक है। तो बेसिकली फर्दर कर लेंगे ये आ गया, ठीक है। अब फर्दर कर लेते हैं तो एक्स की पावर एक्स कॉमन आ गया 1 प्लस एक्स ln ऑफ x का प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ तक करने के बाद हमने बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके उसके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली हो जाएगा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस ln ऑफ x इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ln ऑफ x क्योंकि एक्स की पावर एक्स हमें मल्टीप्लाई करा तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर ln ऑफ x इक्वल टू माइनस 1, तो हैज वी नो कि ln माइनस 1 किसको होता है ln ऑफ 1 ओवर e के इक्वल होता है, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 ओवर e। अब सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यानी x इज इक्वल टू 1 ओवर e आ रहा है, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां उसकी जगह अपने पुट कर देंगे 1 ओवर e।
तो फर्दर कर लेंगे, तो बेसिकली 1 आवर ई की पावर 1 आवर ई, फिर ई ठीक है प्लस एल एन ऑफ 1 आवर ई किसे को ले जाएगा, -1 +1 डिवाइडेड बाई 1/2 0 के को आ जाएगा ठीक है। तो ई और बेसिकली जब इसको बोलेंगे तो की पर -1 और ये भी हो जाएगा की पर -1 ठीक है। जब पावर को बाहर कर लें तो -- प्लस में हो जाएंगे, तो ई इंटू ई की पावर ई आ रहा है ठीक है। लेकिन इसको फर्दर करें तो ई की पावर प्लस होना चाहिए ठीक है। अब इस वक्त कोई -+ का साइन नहीं है, तो बेसिकली आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम ठीक है एट x इज इक्वल टू 1/e ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2.9 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.10 को डील करेंगे। तो उसके अलावा अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा जो फेडरल बोर्ड की बुक है KPK बोर्ड को, तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।